हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको लेसन नंबर 5 में चार स्विच और एक 5 पिन सॉकेट के कनेक्शन करना सिखाएंगे। आइए बिना किए बोर चलते हैं वीडियो की ओर। फटाफट हम आपको बता देते हैं, चार स्विच और एक 5 पिन सॉकेट। स्विच के नीचे वाले पॉइंट को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। एक तार छील लेंगे, नीचे वाले पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देंगे और स्क्रू ड्राइवर से इनको फटाफट टाइट कर देते हैं। साथ में हमने ये पॉजिटिव वायर हमने साथ में कनेक्ट कर दी है। ये हमें फेस की वायर हमने ब्लू कलर की ली है। इसके बाद हम सॉकेट को स्विच से कनेक्ट करेंगे। स्विच के एक पॉइंट से हम सॉकेट को कनेक्ट करेंगे। ये हमारा फेस आया है, इसलिए हम फेस वाले पॉइंट पर इसको कनेक्ट करेंगे। लाइन एल बना हुआ है इस पे। ये हमने फेस स्विच से काट करके सॉकेट में दिया है। इसके बाद हम इसमें न्यूट्रल देंगे। न्यूट्रल के लिए हमने ब्लैक कलर की वायर ली है, जो हम सॉकेट के दूसरे पॉइंट में दे देंगे। इसको हम सॉकेट के दूसरे पॉइंट पर लगा देंगे और ये हमने होल्डर लगाया है। होल्डर का एक वायर हम न्यूट्रल में डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। न्यूट्रल में हमने बल्ब की एक वायर कनेक्ट कर दी है। इन दोनों को हम सॉकेट के दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे और हमारे पास बल्ब की दूसरी वायर है, जो स्विच से कट होकर फेस में जाएगी। किसी भी पॉइंट को हम ये दे सकते हैं। चलो हम इसी को दे देते हैं। हमने ये इस स्विच से कट करके फेस दे दिया है। अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं। अब हम इसमें सप्लाई देंगे। सप्लाई देते समय ध्यान रखें के बोर्ड को अपने हाथ से न छुए। देखिए दोस्तों, हमारा बोर्ड जो है ठीक तरीके से काम कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे स्विच से अगर हम अपने बल्ब को जलाना चाहते हैं, तो ये जो वायर हमने लगाई है स्विच में, वो इस पॉइंट पे लगा सकते हैं, इस पॉइंट पे भी लगा सकते हैं, किसी पे भी लगा सकते हैं। आपका बल्ब जल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर हमारे चैनल
चैनल में कोई कमी है या आपको कुछ बूझना है तो हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।